लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। हेलो, मैं हूँ अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं नवप्रभा लाइव। मैं आपको सलमान खान के शो बिग बॉस 12 के बारे में बताने आई हूँ। वैसे टीआरपी के मामले में तो बाकी सीजन से सीजन 12 बहुत ही पीछे है, पर फिलहाल कुछ दिनों से इसमें भी मसाला देखने को मिल रहा है। एंटरटेनमेंट के तड़के की वजह से अब ये शो कुछ हद तक बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे कि कल के एपिसोड में हमने देखा था कि विकास गुप्ता, जो कि बिग बॉस 11 के मास्टर माइंड कहलाते हैं, वो आए थे एक आईना लेकर के और सबको सबका चेहरा दिखाया। विकास गुप्ता की एंट्री कंटेस्टेंट के चेहरे पे मिक्स रिएक्शन लेके आई। कोई खुश हुआ तो कोई उदास, कोई मोटिवेट हुआ तो कोई रोने ही लगा। विकास गुप्ता के एग्जिट के बाद, जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि कालकोठरी की सजा की बारी आती है। वैसे तो कालकोठरी में जाना किसी को पसंद नहीं है, बट जैसे बिग बॉस का ये नियम है तो नॉमिनेशन के लिए दीपिका, रोमिल और निर्मल को नॉमिनेट किया जाता है और बेचारों को कालकोठरी की सजा भुगतनी पड़ती है। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, ऐसा मैं नहीं, बिग बॉस के घर में गाना बज रहा था। जी हाँ, बिग बॉस के घर का अगला दिन शुरू होता है इस गाने से, जो कि लाता है अपने साथ कैप्टेंसी टास्क। बिग बॉस ने नेहा को कैप्टेंसी टास्क के अनाउंसमेंट करने को कहा, जहाँ पे नेहा ने ये बताया कि सिंगल्स में से किन्हीं दो कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करना है और नॉमिनेट करना है कैप्टेंसी टास्क के लिए, जिसमें डिस्कस करके लास्ट में नेहा और करणवीर बोहरा का नाम आता है। सृष्टि बताती है कि टास्क 5 राउंड्स में होंगे, जहां जोड़ियों को कैप्टन चूज करने का मौका मिलेगा। अब कैसे, ये तो टास्क के बारे में बताना पड़ेगा। श्रीशांत यहाँ पे बोलिंग करते हुए नजर आए, जहाँ पे सारी जोड़ियां विकेट कीपिंग कर रही थी। अब यहाँ करना ये था कि जोड़ियां जिन्हें कैप्टन नहीं बनाना चाहती थी उन्हें आउट कर रही थी। जी हाँ, दोनों करमवीर बोहरा और नेहा ने अपने अपने वोट्स के लिए सबसे मिन्नतें की, पर टास्क के एंड में नेहा बतौर कैप्टन नजर आई। अब देखना ये है कि नेहा के लिए कैप्टन बनना हेडेक साबित होता है या वो सामने से लीड करती हैं। आपका क्या ख्याल है इस पे हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें नवप्रभा लाइव को।